आज हम पराया पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को देखने वाले हैं। पराया यह कृति लक्ष्मण माने की मराठी कृति उपरा का अनुवाद है। उपरा यह मराठी में लिखा आत्मकथन है जिसके लेखक है लक्ष्मण माने, और पराया जिसका अनुवाद किया है दामोदर खड़से ने। इस वीडियो में हम पराया पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं। आइए देखते हैं पराया पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। सबसे पहला प्रश्न है, पराया यह कृति किसकी है? इसके विकल्प है लक्ष्मण माने, लक्ष्मण गायकवाड़, किशोर काले, नामदेव कांबळे। इसका सही उत्तर है लक्ष्मण माने। देखते हैं अगला प्रश्न, पराया मूल किस भाषा से अनुदित कृति है? इसके विकल्प है हिंदी, असमी, बंगाली, मराठी, और इसका सही उत्तर है मराठी। देखते हैं अगला प्रश्न, पराया इस अनुदित कृति का मूल नाम क्या है? इसके विकल्प है अपरा, परका, दूसरा, उपरा, और इसका सही उत्तर है उपरा। पराया इस अनुदित कृति का मूल नाम है उपरा। देखते हैं दूसरा प्रश्न, उपरा का अनुवाद किसने किया है? इसके विकल्प है माधव सोनटक्के, दामोदर खड़से, मोहनदास नेमिश्राय, निशिकांत ठकार, और इसके अनुवादक है दामोदर खड़से। उपरा का अनुवाद दामोदर खड़से ने किया है। देखते हैं अगला प्रश्न, उपरा को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इसके विकल्प है ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, सरस्वती, अनुवाद, और इसका सही उत्तर है साहित्य अकादमी। उपरा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पराय में कौन सी जाति विशेष का चित्रण हुआ है? इसके विकल्प है कैकाड़ी, लमाण, वडार, बंजारा, इसका सही उत्तर है कैकाड़ी। पराय में कैकाड़ी जाति विशेष का चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न, उपरा को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब मिला? इसके विकल्प है 1981, 1982, 1983, 1984। इसका सही उत्तर है 1981। उपरा को साहित्य अकादमी का पुरस्कार 1981 को प्राप्त हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न, लक्ष्मण माने का जन्म कब हुआ? इसके विकल्प है 1948, 1950, 1949, 1951। इसका सही उत्तर है 1949। देखते हैं अगला प्रश्न, लक्ष्मण माने को कौन सा नागरी सम्मान प्राप्त हुआ है? इसके विकल्प है पद्मश्री, पद्म, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इसका सही उत्तर है पद्मश्री। लक्ष्मण माने को पद्मश्री यह नागरी सम्मान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, पराय यह किस प्रकार की विधा है? इसका विकल्प देखते हैं जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, कहानी, और इसका सही उत्तर है आत्मकथा। पराया यह आत्मकथा विधा है। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कृति लक्ष्मण माने की नहीं है? विकल्प है प्रकाशवाटा,
बंद दरवाजा, पालावरचं जग, प्रकाश पुत्र। इसका सही उत्तर है प्रकाश वाटा। प्रकाश वाटा को छोड़कर बाकी तीन कृतियां लक्ष्मण माने की है, जैसे कि बंद दरवाजा, पालावरचं जग और प्रकाश पुत्र, ये कृतियां लक्ष्मण माने की है। देखते हैं अगला प्रश्न। किसका बचपन गधों के चराने में बीत गया? इसका विकल्प है लक्ष्मण माने, पाटण गांवकर, तानाजी पाटिल, लक्ष्मण गायकवाड़। और इसका सही उत्तर है लक्ष्मण माने। अगला प्रश्न। समी लाली किसन्या किस आत्मकथा के चरित्र है? इसके विकल्प देखते हैं बिराड़, पराया, उठाईगीर, जूठन। और इसका सही उत्तर है पराया। समी लाली किसन्या यह पराया इस आत्मकथा के चरित्र है। अगला प्रश्न। लक्ष्मण माने का गांव कौन सा है? इसके विकल्प है निरगुड़ी, सातारा, कोल्हापुर, पारनेर। और इसका सही उत्तर है निरगुड़ी। लक्ष्मण माने का गांव निरगुड़ी है। देखते हैं अगला प्रश्न। बचपन में कौन से गांव के बाजार जाने के लिए लक्ष्मण माने हट करते थे? इसके विकल्प है सातारा, फलटण, पंढरपुर, सोलापुर। और इसका सही उत्तर है फलटण। देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सी यात्रा में बकरे की बलि दी जाती थी? इसके विकल्प है काळूबाई, अंबाबाई, मर्याई, म्हसोबा। इसका सही उत्तर है काळूबाई। अगला प्रश्न। पुनापा ने पैसे के बदले किसे गिरवी रखा था? इसके विकल्प देखते हैं खेत, घर, पत्नी, सोना। इसका सही उत्तर है पत्नी। पुनापा ने पैसे के बदले पत्नी को गिरवी रखा था। देखते हैं अगला प्रश्न। पुनापा ने किससे पैसे लिए थे? इसका पर्याय है किसन्या, पाटण गांवकर, कुंडल्या, धर्म्या। इसका सही उत्तर है धर्म्या। पुनापा ने धर्म्या से पैसे लिए थे। अगला प्रश्न। पुनापा की पत्नी ने किसे खाटिक संबोधित किया? इसके विकल्प है कुंडल्या, दिन्या, पुनापा, किसन्या। और इसका सही उत्तर है पुनापा। पुनापा की पत्नी ने पुनापा को खाटिक संबोधित किया। देखते हैं अगला प्रश्न। लक्ष्मण माने की बहन का नाम क्या रखा था? इसके विकल्प है समिंद्रा, कजरी, ममता, शशि। और इसका सही उत्तर है समिंद्रा। देखते हैं अगला प्रश्न। पारू की सुंदरता से किसे चीड़ थी? विकल्प है किसन्या, कुंडल्या, दिन्या, मारुति। और इसका सही उत्तर है मारुति। पारू की सुंदरता से मारुति को चीड़ थी। अगला प्रश्न। पारू और मारुति रिश्ते से क्या थे? इसके विकल्प है पति पत्नी, भाई बहन, रिश्तेदार, मित्र। इसका सही उत्तर है पति पत्नी। पारू और मारुति रिश्ते से पति पत्नी थे। देखते हैं अगला प्रश्न। गांव के युवकों ने किस पर शारीरिक अत्याचार किया था? विकल्प है गजरा,
पारू, मेनका, कजरी। इसका सही उत्तर है पारू। गांव के युवकों ने पारू पर शारीरिक अत्याचार किया था। देखते हैं अगला प्रश्न। किसकी शादी के जूठन के लिए गालियां खानी पड़ी थी? इसके विकल्प है दिनकर शिंदे, तानाजी पाटिल, पाटण गांवकर, देशमुख। और इसका सही उत्तर है तानाजी पाटिल। देखते हैं अगला प्रश्न। किसके घर पर जाने के लिए मां ने मना किया था? इसके विकल्प है मेनका, मालती, ममता, गजरा। इसका सही उत्तर है गजरा। गजरा के घर जाने के लिए मां ने मना किया था। अगला प्रश्न। गजरा कितने बच्चों की मां थी? इसके विकल्प है 7, 5, 2, 4। इसका सही उत्तर है 7। देखते हैं अगला प्रश्न। लक्ष्मण माने ने कौन सी हाई स्कूल में प्रवेश लिया? इसके विकल्प है मॉडर्न हाई स्कूल, श्रीराम हाई स्कूल, सरकारी प्रशाला, शिंदे हाई स्कूल। इसका सही उत्तर है श्रीराम हाई स्कूल। देखते हैं अगला प्रश्न। लक्ष्मण माने ने क्या बेचकर पढ़ाई की? इसके विकल्प है सब्जी, पाव बटर, किराना, चाय। और इसका सही उत्तर है पाव बटर। लक्ष्मण माने ने पाव बटर बेचकर पढ़ाई की। अगला प्रश्न। लक्ष्मण माने को किसके कहने पर कॉलेज में पार्ट टाइम नौकरी मिली? इसके विकल्प देखते हैं प्राध्यापक पाटण गांवकर, भोसले, ग्रंथपाल पाटिल, नाना माने। और इसका सही उत्तर है प्राध्यापक पाटण गांवकर। इनके कहने पर लक्ष्मण माने को कॉलेज में पार्ट टाइम नौकरी मिल गई। अगला प्रश्न। लक्ष्मण माने ने किसके साथ अंतर जातीय विवाह किया? इसके विकल्प है गजरा, शशि, पारू, अलका। और इसका सही उत्तर है शशि। लक्ष्मण माने ने शशि के साथ अंतर जातीय विवाह किया। अगला प्रश्न। शशि जाति से रिक्त स्थान थी? इसके विकल्प है मराठा, लुहार, ब्राह्मण, बडार। और इसका सही उत्तर है मराठा। देखते हैं अगला प्रश्न। यदुनाथ थत्ते किस पत्रिका के संपादक थे? इसके विकल्प देखते हैं साधना, मनोरमा, माधुरी, अस्मिता। इसका सही उत्तर है साधना। यदुनाथ थत्ते साधना इस पत्रिका के संपादक थे। तो छात्रों, पर्याय पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी का ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा। आप इसे 2 या 3 बार देख सकते हैं और लिख ले सकते हैं। आप इसी तरह अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, हिंदी प्रतियोगी परीक्षा तथा नेट सेट आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।